साउथ मुंबई। हेलो हेलो, मैं साउथ मुंबई से बोल रहा हूँ। यस सर, सब कंट्रोल में है सर। श्योर सर, ये लो बात करो। रेस्पॉन्डिंग। मैंने तो सुना था मुंबई में गर्दी होती है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है। माफिया डॉन छोटा नायक का नाम तो सुना ही होगा। सर जब मैं छोटा था तब मेरी आई छोटा नायक की कहानी सुना के मुझे सुलाती थी। जिस नायक की तुमने कहानियां सुनी है उसे कल रात को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन उसने चैलेंज किया कि वो भाग जाएगा, इसलिए ये सब बंदोबस्त है। सर अगर नायक ने डिसाइड किया है कि उसे भागना है तो क्या हम रोक लेंगे? इस छोटा नायक को पकड़ने में 25 साल बाद पुलिस कामयाब हुई है, लेकिन वो इस जीत के जश्न को खत्म करने की कोशिश करेगा। सिगरेट। सॉरी, होंठों को छुएगी तो जलानी पड़ेगी। से भाग नहीं रहा है। तुझे क्या लगा तू अपुन को पकड़ेगा तो सरकार प्रमोशन देगी? पर तुझे मालूम नहीं अपुन को पकड़ने से सिर्फ मौत मिलती है। अपुन की इन्फॉर्मेशन पुलिस को किसने दी रहे? भाई आपके अरेस्ट होने के बाद से रंगनाथ का कुछ भी पता नहीं है। भाई खबर मिली है कि वो अंडरग्राउंड हो गया है। और उसके बाकी पंटर कहाँ हैं? भाई वो फायर ऑफिसर हमें नोटिस पे नोटिस भेज रहा है। अगर उसके सेफ्टी रूल्स के हिसाब से खर्चा करना पड़ा तो हमारे 50-60 करोड़ तो गए समझो। अब ये परमिशन वाला नया लफड़ा क्या है? जमीन हड़पने से पहले मालिक की परमिशन ली थी, लोन मिलने से पहले बैंक की परमिशन ली थी, हम फिरौती मांगने से पहले परमिशन लेते हैं क्या? मेरा तो बीपी बढ़ रहा है, मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे टकरा दूंगा, भाई उस फायर ऑफिसर को चला दूंगा। आप ये पैक मारो, पैक मारो। ये बका, ये फायर ऑफिसर किधर मिलेगा भाई? एक फायर ऑफिसर आपको कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है। बोली दे हूँ मरी क्यों? सब खत्म हो गया। क्या मतलब? हाँ?
अगर आज तूने इन कागजात पर दस्तखत नहीं किए तो मैं तेरा ही अंगूठा काट कर तेरे ही खून से इस पर ठप्पा लगाऊंगा। पर भाई, ये फ्लैट में किसी को जबरदस्ती नहीं बेच रहा। जिसको पसंद आएगा वो ये घर लेगा, नहीं तो अपने घर जाएगा। तेरे बनाए हुए फ्लैट्स आम आदमी खरीदेंगे और वो बेचारे नहीं जानते कि तूने कोई सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं किए। सस्ते घर देकर तू उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा रहा है। तेरी ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। मेरे जीते जी ये कंस्ट्रक्शन नामुमकिन है। चुपचाप साइन कर। दम है बंदे में। गया नारी। रूल्स फॉलो नहीं हो ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं होती ना, वैसे ही करोड़ों रुपए का नुकसान मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। अंगूठा नहीं लगाऊंगा। कुत्ते का पट्टा कहाँ गया? अभी उठ, एक मिनट सर। मैंने साइन कर दिया सर, बाकी के अंगूठे कहाँ मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। आइए सर, संभल के हाँ, जल्दी आओ ना। एक हस्ताक्षर अंदर है सर। मेरे पीछे हाँ, एक सिग्नेचर इधर है सर। निकलने बॉब, नीचे कैसे जाओ? सॉरी सर, मैं तो थूकने गया था पर मुंह में पान नहीं था। इमरजेंसी एग्जिट ना हो तो जिंदगी से एग्जिट हो सकते हो। जी सर। आप समझा? आइए सर। तीसरा हस्ताक्षर अंदर है सर। सर सर सर, आप वहीं रुक जाओ, मुझे एक मिनट दो। मैंने कहा था ना सर, वो यहीं पर है। आवाज यहीं से आ रही है। हाँ, चल बाहर निकल। साइन कर यहाँ। मुझे साइन करना नहीं आता। अनपढ़ है तू? सर एक मिनट है सर। अंगूठा दे, लगा। सर ये लीजिए सर। वो क्या है ना, बॉस को बुरा लगेगा अगर उसे पता चला कि मैं आपको यहाँ लाया, इसलिए मैं यहाँ वेट करता हूँ। आप जाके उसकी धुलाई करो। मैं डॉक्टर को ले आता हूं। ये गांडा, मफलर छोड़ना मत वरना कंफ्यूजन होगा, नीचे जाना है कि ऊपर? बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए तुझे बार बार नोटिस दी थी, आज ऊपर भेजने के लिए तुझे कोई नोटिस नहीं दूंगा। मैं समझी गयो फायरमैन कुमार, बद्धू समझी गयो। टॉप फ्लोर से बिल्डिंग क्या दिखती है यार, पर टेंशन मत ले, दिल पे पत्थर रख के मैं ये बिल्डिंग गिरा दूंगा और रूल्स फॉलो करते हुए एक नई बिल्डिंग बनाऊंगा। अभी तो छोड़ दे भाई साहब। अरे छोड़ना मत, अंगूठा लगाता हूँ। पेपर किधर है? टेंशन मत, सिग्नेचर मारता भी आउडी गयो। ये ले भाई, जय माता जी। मम्मी बचाओ, मरी गयो। Thank you.
जय कहाँ है यार तू? जल्दी आ, आंटी यहाँ पर जान खा रही है। माँ ठीक से बैठ। जय कहाँ है? हैं? पापा जय कहाँ है? आधे घंटे पहले बोला था कि 5 मिनट में पहुँचता हूँ। अब तो 3 घंटे हो गए, पता करो कहाँ है। आंटी जय आ गया क्या? इसी की कमी थी। जा वहाँ बैठ। आओ बेटा आओ, यहाँ आओ। गया काम। हाँ आंटी बोलिए। मेरे बच्चे नालायक, हमने आज जय के लिए पूजा रखी है, उसकी खुशहाली के लिए सुबह से उसका इंतजार कर रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, और तू आकर पूछता है जय कहाँ है? अब मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? तू बता। लो इसे खोल के मत देखना, कवर में रख दो। ये कब आया? इतना ट्रैफिक है, पैदल आता तो जल्दी पहुँच जाता। बेटा पीने के लिए कुछ ठंडा लाऊं? नहीं नहीं चलो पहले पूजा कर लेते हैं। बहुत गुस्से में लगता है। इसके गुस्से की आग को सिर्फ तू ही बुझा सकता है बेटा, की तो आग भड़क जाएगी। ओम सुमुखस्य गदंतस्य कपिलो गजकंड कहा लंबोदरस्थो विकटो विग्रहनाशो विनायक धूम्रकेतुर गणाधक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यपठे शृणुयादपि। ओम गणपतये नमः। आसनम समर्पयामि, वाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आरती ले लीजिए। चलिए आशीर्वाद दीजिए। कैसे फायरमैन है, आग से डरते हैं। अगर आग में फंस गए तो खुद को कैसे बचाएंगे? अगर आग लगी तो मुझे बचाने के लिए जय है ना, मुझ पर इतनी सी भी आंच नहीं आएगी। हाँ हाथ कहाँ डाला था? एक लड़के ने मेरी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखा तो उसको अच्छे से धो डाला। असल में उसने इसको धो डाला। आजकल की लड़कियां जमीन पे कम आसमान में ज्यादा रहती है। हमारा सुसाइड कॉन्टेस्ट खुल चुका है, बम्पर प्राइस जीतने के लिए जल्दी एसएमएस कीजिए। ए हार्ट टूटने के लिए, बी पैर टूटने के लिए, और सी मरने के लिए। जी सर मैं यही हूँ। आत्महत्या की कोशिश है, फायर ब्रिगेड आती होगी। जी सर। मैडम मैं सॉफ्ट पुलिस वाला हूँ, एक काम करो मेरा हाथ पकड़ लो, मैं बचा लूंगा आपको। मेरी बात मानो, कॉन्फिडेंस रखो। मुझे तुम्हारी आवाज में ही कॉन्फिडेंस कम लग रहा है, हाथ देने के बाद जान से हाथ धो बैठी तो? आप यहाँ 2 घंटे से खड़ी हैं, और खड़ी रही तो थककर गिर जाएंगी। मुझ पर भरोसा रखो, हाथ पकड़ लो ना। नहीं। तुम जिंदा रहना चाहती हो या नहीं? मुझे बेफिजूल की बातें करने की आदत नहीं है, लेकिन हाथ धोकर आओ। हाथ तो मैं धोने के बाद भी नहीं धोता हूँ। अभी तक हमारे पास 10,000 से भी ज्यादा एसएमएस आ चुके हैं, इतना बड़ा रिस्पांस हमें आज तक नहीं मिला, लेकिन अभी तक कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया है। वो देख 18वें माले पे। चलिए पीछे हटिए, ये क्या तमाशा लगा के रखा आपने? मामला क्या? वो सुसाइड करने के लिए वहाँ चढ़ी थी, पर ना तो उसमें कूदने की हिम्मत है और ना ही वापस अंदर जाने का हौसला। 3 घंटे से वहीं पर खड़ी है। आप लोग उसे खिड़की से हाथ डालकर खींच लो। हमारी शक्ल देखकर उसे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि हम उसे बचा लेंगे। हम सब ट्राई कर चुके हैं, आप चाहो तो आप भी करके देख लो। मुझे नहीं लगता वहां तक सीढ़ी पहुंचेगी। मैं ऊपर जाता हूं। लो मत। आप लोग यहाँ आइए। सर वो डरिए मत, आप वहां जाइए।
चल अंदर। ये म्यूजियम क्यों बना रखा है? जब सर को इमरजेंसी के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ निशानी जरूर लेकर आते हैं। वो नारायण कंस्ट्रक्शन केस का क्या हुआ? तेरी वार्निंग के बाद से उसने सब कुछ बंद कर दिया। अच्छा, मैंने सुना है कल वाली इमरजेंसी बड़ी रोमांटिक थी। कई लोगों के कहने के बावजूद वो लड़की 3 घंटे अंदर नहीं आई और तुम्हें देखते ही अपना हाथ तुम्हें दे दिया। सारे शहर में इस बात के खूब चर्चे हो रहे हैं। वो लड़की वहां पर सुसाइड करने के लिए चढ़ी थी। लोग उस एक्सीडेंट में भी रोमांस का इंसिडेंट ढूंढ रहे हैं। वो खूबसूरत लड़की ऊपर सुसाइड करने चढ़ी थी, इसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं? हमने 70% ऑफ से जो ड्रेस खरीदी थी तुझे वो पहननी चाहिए थी। ऐसा क्या? हेलो। हाय सोनाली। हाय श्वेता, बोल बोल। आज के पेपर में तेरी फोटो आई है। अच्छा, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे अरे, टुमारो टाइम्स वाली देख, उसमें मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। वो मैं बाद में देख लूंगी, पहले ये सुन कि मैंने फोन क्यों किया। पहले तू फोटो देख, उसके बाद ही मैं सुनूंगी कि तूने फोन क्यों किया। इसे भी लगा दे। डैडी ने बुलाया है। डैडी, आ गई पूरे शहर में हमारी नाक कटवाने वाली। तुमसे अच्छे तो वो किडनैपर होते हैं। पैसे मांगने के बाद कम से कम 2 दिन का टाइम तो देते हैं। क्या इस तरह से घूर क्या रही हो? खा जाओगी क्या मुझे? ये लो, ये रहे 2 लाख रुपए। अब चाहे इन्हें इस्तेमाल करो या पेट्रोल डालकर आग लगा दो। जाओ यहां से। बेटी दिव्या, अगर तुम जिंदगी में कुछ करना चाहती हो तो मेरी बेटी का साथ छोड़ दो। हा? नहीं तो तुम भी इसके जैसी बन जाओगी। तेरे सुसाइड के ड्रामे से लगा तुझे छोटी रकम चाहिए होगी, 2 लाख का क्या करेगी तू? चल मैं बताती हूँ। तू मुझे हॉस्पिटल क्यों लाई है? बदन दर्द है? अरे नहीं यार, तो लूज मोशन है। डॉक्टर आ गए, राउंड पे गए हैं। देखो वो आ गई, देखो वो आ गई। कब तक आएंगे वो? बस आते ही होंगे। ओके, हाय। नमस्ते दीदी। इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तूने इनके लिए खतरा मोल लिया? अच्छा, तो आ गई। हेलो डॉक्टर। हेलो, हाथ कैसा है? दबाओ तो दुखता है। तो दबाओ मत। ये लीजिए पूरे 2 लाख रुपए कैश। गिन लो, कम तो नहीं है। ये क्या डॉक्टर सर, इन गरीब अनाथों के लिए ये अपनी जान खतरे में डालकर पैसे लाई है। अगर 3-4 हजार कम हुए तो हॉस्पिटल का दिवाला नहीं निकलेगा। एक बात बताओ, इसने तुम्हें क्या बताया कि 2 लाख रुपए ये इन्हें दान में देने आई है? गई काम से। 10 दिन पहले इसने इसे कार से उड़ाया और बोल कर गई कि 10 मिनट में आती हूँ और आ जा रही है। और वो भी तब जब स्टाफ के किसी आदमी ने इसे पहचान लिया और इसकी कार छीन ली। इस व्हील चेयर के अलावा इसने कुछ नहीं दिया। मैं आगे नहीं बैठूंगी। तेरी मर्जी। मेरी धन्नों के नीचे किसी गधे को आने से बचाना। अरे गधा है क्या? लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। दुखी होने से ज्यादा इस बात का शौक है कि रंगनाथ ने अपुन की पीठ पे चारा खोपा, क्योंकि उससे ज्यादा बिलीफ आई शपथ अपुन किसी पे नहीं करता था। जब उसको बहुत जरूरत पड़ती तभी छू अपना मुंह खोलता था। उसकी खामोशी के पीछे का सन्नाटा आता हम चाटोकत पड़ रहा है। हम जैसे सारे क्रिमिनल्स फक्त हथियारों पे भरोसा करते हैं,
इंसानों पर नहीं, हाँ एक परत फूंक चला है। मानुष अगर एक्सीडेंट में मारा जाए तो कहते हैं कि उसकी किस्मत में लिखा था। मानुष अगर रोग से मरे देवापन मनताद की किस्मत में यही लिखा था। पर अगर इंसान अपुन के हाथों से मरे तो कहते हैं कि ऐसा अंत किसी मानुष का ना हो। अब अपुन की सबसे बड़ी इच्छा है कि जिसने अपुन के साथ धोखा किया है अपुन उसको पकड़े, और तुम हरामखोरों की इच्छा है कि तुम लोग जिंदा रहो। दोनों की इच्छा कशी पूरी हुई। हमें सच में नहीं पता कि वो कहाँ है भाई। अगर अपुन कुछ पूछे और उसका जवाब ना और नक्को में मिले, आइचा शहरा सुलग जाती अपुन की। लास्ट टाइम अपुन विचार तो बता दे वो किधर छुपा हुआ है। आइचा खो तो जा। या जा फोटो सगड़े मीडिया वाला ने दिया, अखबारों में फोटो देख कर वो बाहर आएगा। यहाँ भी नहीं है। ओए, क्या है? रुकना। पागल है क्या? देख क्या रहा, चल निकल। लड़कियों को BMW वाले के पीछे भागते हुए देखा है। ये पहली लड़की है जो सीढ़ी बम्बा वाले के पीछे भाग रही है। लगता है उसमें बहुत आग है। वो वैसे मुझे बेफिजूल की बातें करने की आदत नहीं है, लेकिन कल तुमने मेरी जान बचाई थी ना, इसलिए तुमसे कुछ कहना चाहती थी। You're welcome. हाँ याद आया, अब याद आया। थैंक यू सो मच। सोनाली पड़ेगी तुझे गाली। कल जो हेल्प की उसके लिए ट्रीट, तो मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? थैंक्स, एक बज गया, मुझे जाना होगा। प्लीज सिर्फ एक कॉफी। हाँ प्लीज। नो वैसे मेरे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन जान बचाई इसलिए पूछा। इतना मस्का क्यों लगवा रहे हो? तुम अगर हैंडसम हो तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। कॉलेज के लड़कों ने मेरे नाम के टैटू बनवाए हैं। बाहर में जाओ, दिखने में कितना गंदा लगता है। कॉफी पीने चले? अब मेरे पास टाइम नहीं है। तुम तो पीना चाहती थी। मेरा मूड चला गया। शाम को मिले? शाम को मेरी मीटिंग है। रात को मैं बिजी रहती हूँ। ऐसा कौन सा काम करती हो जो आधी रात को भी बिजी रहती हो? हाँ मेरा दिन शुरू होता है सुबह 9 बजे कॉलेज से, और फिर दोपहर को 1 बजे कैंटीन, और 3 बजे कंप्यूटर क्लासेस। 5 बजे से पहले घर आ जाती हूँ, और फिर इंटरनेट पर चैटिंग करती हूँ, फिर पूरी रात पढ़ाई भी करनी पड़ती है। उसने क्या बोला? रात को घर पे बुलाया है। अरे दिमाग है होना, ये पागल। हाँ सुबह 9 बजे मैं कॉलेज जाती हूँ, कहीं उसने देख तो नहीं लिया। डाइटिंग नहीं, दोपहर को 1 बजे कैंटीन। सोनाली फायर ब्रिगेड आली। क्या लिखा था उसपे? मैंने लिखा 5 बजे आना, फायर ब्रिगेड मत लाना। देखो तो ये कौन आ गया?
यही तो है वो आग बुझाने वाला। मुझे तो ये आग बुझाने वाला नहीं, आग लगाने वाला लगता है। हाय हाय सोनाली, कैटरीना, करीना, दीपिका एंड प्रियंका, और ये है आलिया। हेलो सर। हेलो। मैं रूम नंबर 12 में रहती हूँ, कभी मुझे भी बचाने आइए ना सर। टी और कॉफी? इनका मतलब क्या है? टी और कॉफी? ओ, चाय। बाय सर। बाय। ये लड़कियां चली क्यों गई? अगर तुम कॉफी मंगवाते ना तो मुझे इन सबको ट्रीट देनी पड़ती, लेकिन तुमने चाय मंगवाई तो मैं शर्त जीत गई और इन सबको 9-2-18 होना पड़ा। बाय सर। टेक केयर। बाय सर। एक कॉफी और एक चाय। दूध के साथ? नॉर्मल चाय। मैंने पूछा था तब मना कर दिया, अब फायर ब्रिगेड लेकर मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? ताकि जब जब तुम सुसाइड के लिए ऊपर चढ़ो मैं नीचे उतारूं। हेलो, मैं कोई बुजदिल लड़की नहीं हूँ जो बार बार सुसाइड करूँ। वो तो उस दिन पापा से पैसे निकलवाने थे इसलिए ड्रामा किया था। यस पापा, बोलिए। कहाँ हो तुम? बताया नहीं था कि एक लड़का सुबह से हर जगह मेरा पीछा कर रहा है, उसी के साथ कॉफी पीने आई हूँ। बहुत हो गया मजाक, अब सच सच बताओ। आप भी कैसे सवाल करते हैं, मैं रोज इस वक्त कुकिंग क्लासेस में होती हूँ, आपको पता तो है। वहाँ से सीधा घर आना। ठीक है, लेट हो रही होंगी तो आपको कॉल कर दूंगी, फिर आप मुझे यहाँ पिक करने आ जाओगे ना पापा? नहीं, फ्रेंड के साथ आ जाना। अपने इकलौते बाप को चुना लगाया? पहले तो मैंने उनसे सच ही कहा ना, उन्होंने यकीन नहीं किया तो मैं क्या करती। चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। हॉट आइटम के सामने हॉट चाय कैसे पियूं? तुम सच में आग बुझाने वाले ही हो ना? आईडी कार्ड दिखाओ तो। मेरी आंखों में झांक कर देखो, सारे कार्ड्स दिख जाएंगे। एक बात बताऊं, वैसे मैंने आज तक किसी को कॉफी तो क्या पानी के लिए भी इनवाइट नहीं किया। एक्सक्यूज मी। हेलो जय, कहां है तू? किसी खूबसूरत परी की झील सी आंखों में गोता लगा रहा हूँ। गोता लगाना तेरे बस की बात नहीं है, सच बता कहाँ है। कमोड़ पे बैठा हूँ, धोकर 5 मिनट में आता हूँ। बाय। पापा कहते हैं जो भी मेरे साथ 5 मिनट रहता है वो मेरे जैसा ही बन जाता है, शायद उनकी बात में दम है। एक बात पूछूं? तुम कुछ देर और नहीं रुक सकते? और कितनी देर? बस एक और कॉफी और एक चाय। त्रिलोक। Yes, ma'am. एक कॉफी और एक चाय, सॉलिड गरम वाली, जिसे ठंडा होने के लिए कम से कम 1 घंटा तो लगे। रंगनाथ हैदराबाद में छुपा हुआ है, तो मला जिंदा पाइजे, काम पे लग जाओ। तीन महीने पहले पुलिस की गिरफ्त से भागे खतरनाक सर, या कॉफी? जय, आजकल तो काफी बदल गया है। अब जानते हैं मौसम का हाल।
दिल्ली का तापमान चर्बी बढ़ गई है ना। अरे शारीरिक बदलाव की बात नहीं कर रहा, पहले तो दो दिन में एक बार हंसता था, आजकल तो दो मिनट में एक बार हंसता है। इस हंसी का राज क्या है? आजकल हंसमुख चाय पी रहा हूँ। ढिल्ले की हाथ गाड़ी कहाँ तक पहुँची? वो तो ये उसे देख के अपना हाथ हिलाता है और वो इसे देख के डंडा हिलाती है। कितनी बार कहा है कि लड़की पटाना तेरे बस का नहीं है? मैंने भी कितनी बार बोला कि आग बुझाना आपके बस का काम नहीं, जरा सी आग देखकर आप डर जाते हो। अरे ये काम मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूँ। और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उसे अपनी बीवी बना सकूं। जो कभी नहीं होगा। आराम से ला मुझे दे। थैंक यू सर। सॉरी मैंने देखा नहीं सर, माफ कर दीजिए। थैंक्स यार, ये लो अंकल आपकी अदरक वाली चाय। थैंक यू। इसे कहीं देखा है क्या? अभी अभी वो गेट से बाहर निकला। वो हमें जिंदा चाहिए, चलो चलो। राजू तुम उधर देखो। सुनो, मुझे लगा मैं कोई नेक काम करने जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे इरादे कुछ नेक नहीं लगते। ए, तू जानता है तूने किसे रोका है? तू जानता है तुझे किसने रोका है? रंगनाथ, बैंक अकाउंट और पासवर्ड इसमें होना जी, कुछ ही दिनों में सारा पैसा खाते में होता ना। क्या होना जी, पसीना क्यों छोड़ रहे? मेरे से कुछ हाइड कर रहे क्या? बोलो भी क्या बात है? आओ। नायक के आदमी आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। तो फिर आप मेरे को झूठ काहे को बोले? वो मेरे को छोड़ेंगे नहीं, टपका देंगे मेरे को। मैं आपकी हेल्प किया पर मेरी कोई नक्को करेगा ना, वो लोग मेरे को बैंगन में मिला देंगे। मेरे को मौत से डर नहीं लगता, पर उस हावले नायक के हाथों नहीं मरना।
सर इसका नाम भोला है, यह मोस्ट वांटेड गुंडा था। आजकल हवाला के पैसे इधर उधर करता था। खबर मिली है इसके साथ यहाँ एक गुंगा आदमी भी रहता था। ये रहा वो, इसकी इंक्वायरी चल रही। ये आदमी गुंगा नहीं है, बस बोलता कम है। नाम है रंगानाथ, मुंबई के डॉन छोटा नायक का अजीज दोस्त हुआ करता था। इसी की इंफॉर्मेशन की वजह से नायक पकड़ा गया था। जब से नायक पुलिस की गिरफ्त से भागा है, ये छोटा नायक से बचकर भाग रहा है। ये बचने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता था। ये अभी तक इंडिया में क्या कर रहा है? पता करो ये इस शहर में क्या कर रहा है। इनके पास ना हमेशा 90% ऑफ होता है। माँ मुझे हेयरबैंड चाहिए। आगे देख के चल। ध्यान नहीं होगा। अच्छा अरे सॉरी, माफ करना। अब तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। ओके। क्या खाना है? मुझे सीख कबाब विद एक्स्ट्रा कस्टर्ड। मुझे आलू का पराठा घी लगा के ऑरेंज जूस के साथ। नौ नहीं, मुझे पसंद नहीं। 11, 12, 13। आप डोसा खाएंगी? नहीं डोसा नहीं, बर्गर खाऊंगी। बर्गर, अरे ये वाला बर्गर। तुम्हें पता है एक लड़की हमारा पीछा कर रही है। कौन? अचानक से मत घूमना। कल अखबार में खबर छपी थी, गैंग ऑफ लेडीज। फोटो में चोरनियों की बॉस ऐसी ही दिख रही थी। मुझे याद है, मुझे लगता है ये वही है। जरा देख। मैं देखता हूँ। देखा ना? कौन सी? वही जो मूरत बनी बैठी है। जब मैं पैसे गिन रही थी मुझे लगा छीन लेगी। मैं जाके पूछता हूँ, कहीं उसके पास रामपुरी ना हो। ए! पर्स पर्स यहीं पर छोड़, अब जा। ए, यहाँ देख। देख के अनजान बनने के लिए सॉरी। आंटी को पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आधे घंटे बाद तुमसे मिलता हूँ। अगर आंटी को पता चल गया तो क्या होगा? धो डालेगी, सच कह रहा हूँ। कहा ना, चेन उतार। चेन ले मुझे। मारो मत ना। मैं बाहर वेट करती हूँ। जैसे सीख कुछ। हाँ सीखूंगी। क्या कहा उसने? उसे लगा उसने आपको पहले कहीं देखा है। मुझे देखा? कह रही थी आप सीरियल्स की हीरोइन लगती हैं। अरे रे रे, वो तो मैं लगती ही हूँ। शक्ल से कितनी भोली लग रही थी वो। मैं जाकर मिलूँ उसे? नहीं नहीं, वो तो चली गई। ओहो, ये लो तुम्हारा पर्स। दो प्लेट भजिया मंगाओ। तुम मुझे माँ की तरह बुद्धू मत समझो। 500, 200। शॉप में हेयरबैंड पसंद आया था ना? मैं दिला दूंगा। नाम क्या है उसका? सोनाली। भाभी अच्छी है। बस खा लिए, उसमें चले क्या? बैठो ना। नाइस। हाय, मैं हूँ मनीषा मुंगी। और मैं हूँ राहुल मुंगा। तो आज मौसम अचानक बहुत बेईमान हो गया है, और ऐसे रोमांटिक मौसम में आपका क्या करने का मन करता है, हमें कॉल कीजिए और बताइए। मेरा मन करता है कि मैं एक सुनसान से फुटपाथ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चलते हुए उसका हाथ पकड़ के उसे एक रोमांटिक सा गाना सुनाकर और रोमांटिक हो जाओ। कहीं वो गाना ये तो नहीं? Thank you.
don't want to talk to you. गुड मॉर्निंग. हाँ आ जाओ, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो. गुड मॉर्निंग भैया. बैठो बैठो. नाश्ता करोगे ना? चाय दो पुदीना डाल के. कल जो लड़की मिली थी वो कौन थी? सॉरी. कौन थी वो? उस लड़की की बात मत करो. क्यों, क्या हुआ? कल रात सड़क पे उसने मुझे किस करने की कोशिश की. बीच सड़क इमरान हाशमी करता है वैसी वाली? ए, उठो, मैंने कहा उठो. चलो हॉल में जाकर खाओ. गो 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 फास्ट. तब मैं गुजराती माँ बोलूँ, हॉल में जाकर खाओ. चलो 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 उठो. इसे नाश्ता भी नहीं करने देती, पता नहीं क्यों शादी की मैंने. तूने ऐसा किया तो उसने कुछ नहीं कहा? मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ. वो जैसे जैसे मेरे नजदीक आता गया, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं भाग आई. देखने में तो बड़ा जेंटलमैन लगता था, अचानक इतना रोमांटिक कैसे हो गया? बारिश हो रही थी और दिल के अरमान भी जाग रहे थे. बारिश होगी तो तुम किसी भी लड़की को किस कर लोगे? अररररा, तू पागल है. सुहानी शाम, भीगा भीगा मौसम, फर्स्ट किस के लिए तुझे इतना हसीन पल मिलेगा क्या? रुकना चाहिए था ना. क्यों रुकेगी वो? है तुम्हारी ऐसी हरकत के कारण वो दोबारा तुम्हें नहीं देखेगी. आपके एक्सपीरियंस से मैं क्या करूं? तुझे उसे शर्मा के किस कर लेनी चाहिए थी और तू है कि भाग गई, एकदम बुद्धू है. मेरी बात सुन, तू मेरे साथ मंदिर चल. चलेगा ना? यहाँ नहीं, मेरी आंखों में देख. मंदिर जाकर माफी मांग के ऐसी गलती कभी नहीं करेगा. आज के बाद किसी लड़की पर बुरी नजर नहीं डालेगा. देख तो इमरान हाशमी की मूवीज देखकर थोड़ा सा रोमांस करना सीख ले. अगली बार जब वो तुझे किस करे तो आंखें बंद कर लेना. कंट्रोल नहीं रहा यार, खुली सड़क पर मैं उसे किस करने चला था, अब वो मुझे क्यों कॉल करेगी? सही बोला. हेलो. क्या? Come on boys, get ready. सर, होटल के मैनेजर ने बताया रूम 702 से फोन आया था, जरूर वहाँ कोई फंसा होगा सर. क्या? गैस पाइप कभी भी फट सकते हैं, वहाँ जाना खतरनाक होगा. यहाँ खड़े खड़े तमाशा भी नहीं देख सकते, चांस तो लेना ही पड़ेगा. जय संभाल के. कोई जाकर देखो, वो ठीक तो है ना? हमेशा मुसीबत में फंसने का शौक है क्या? आ गया हमारा जय. कमाल कर दिया. आपको हमेशा मरने की जल्दी क्यों होती है? कोच. खैर छोड़िए, कुछ मत बोलिए, आराम कीजिए प्लीज प्लीज. क्या यहाँ जो शूट आउट है उसका कनेक्शन माफिया से है? जो जख्मी है क्या उसका कनेक्शन माफिया गैंग से है?
तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? सॉरी बोला था ना उस दिन, माफ कर दो ना। उस दिन के बाद से मुझे नींद ही नहीं आई। सर मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। ओके सर, मैं चेक करके आपको फोन करता हूं सर। कल रात को यहां लाते समय इसकी मौत हो गई। होटल में शूटआउट भी शायद इसी की वजह से हुआ। दो टीम्स और बनाओ और इन्वेस्टिगेशन की स्पीड तेज कर दो। इसके हैदराबाद आने की वजह जानना जरूरी है। ओके सर। हेलो, यस सर। सर, गोरा। अरे भाई रंगनाथ चल बसा। ये नहीं हो सकता। हम होटल में उसे पकड़ने ही वाले थे लेकिन वहां आग लग गई और वो जल के मर गया। आप उन्हें बोला ना कि ऐसा नहीं हो सकता। कल एक बड़े हादसे में होटल ब्लू स्टार जलकर खाक हो गया। हमारे सूत्रों से पता चला है कि आप लेकिन भाई जो उसकी मदद कर रहा था वो हमें मिल गया है। कौन आए तो न्यूज देखिए आप समझ जाएंगे। वो उससे कुछ बोल रहा है, पहचानता इसे क्या? गोरा भाई, इसे ढूंढने बिना इधर आना ही नहीं। बनेगा ये नहीं सोचा था। भैया घोरा का फोन। कायरे भाई बताओ इसका क्या करूं? फोन पटकन वीडियो कॉल पर डाल और उसे दिखा।
तू है कौन रे? लोग बोलते हैं कि मेरी आवाज सुनने च गुनाह है, लेकिन तूने मेरे दुश्मन को बना दिया और साथ में मेरे आदमी को भी मारा। या तो तू सटकेला है या फिर मैं येड़ा। 30 सालों में जो अपन ने मेहनत से खून करके जो इतने सारे पैसे कमाए, वो सलाह धोखेबाज रंगनाथ एक झटके में अपन से छीन के ले गया। बात 10-12 खोके की होती तो अपन कम खा के दारू पी गया होता, लेकिन उसने मेरे 10,000 करोड़ चुराए। जाइला साला नरक में जाएगा। तू ही बता मेरी सटकेगी कि नहीं। अगर तू बता दे कि तुम दोनों ने अपन के पैसे किधर रखे तो अपन तेरे प्राण बख्श देगा। चल बोल। फोन जरा पास ला। तुम बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं कह चुका हूँ कि मैं उस आदमी को नहीं जानता। चला फोन का बिल मत बढ़ा, लाइन डिस्कनेक्ट कर। मैं भड़की हुई आग बुझाना भी जानता हूँ और लगाना भी। हे, अपुन रंगनाथ को पिछले 25 सालों से जानता था। वो मरता मर जाता पर अपने मुंह से कभी एक शब्द पण नहीं निकालता। और कल जब वो मर रहा था, अपुन ने साफ साफ देखा कि वो तुझसे कुछ कह रहा था। बोल, सांतो तुला काय बोलत होता? ए, आज तक अपुन ने सगड़ाने फक्त मौत दिली आहे, कभी किसी को माफी नहीं दी। लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी की जान बख्शने की बात कर रहा हूं। अगर अपन कुछ पूछे और उसका जवाब ना या नहीं में मिले, आज शपथ माजी सटकते। बार बार पूछ के मेरे अंदर की बुझी आग को जला मत, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भड़क उठूं और तुझे भस्म कर दूं। घोरा, याला माजी मराठी समझ ली नहीं, इसको किसी दूसरी भाषा में समझा। सलाम है उस गीदड़ को जो सामने से वार करते हैं, और लानत है उस शेर पर जो पीछे से हमला करते हैं। शहर में आग लगने पर लोग मुझे याद करते हैं, पर जब मुझ में आग लगी हो तो सबको चिता पर सुला देता हूँ। मौत एक दिन सबको आनी है, लेकिन मैं रोज उससे हैंडशेक करता हूँ, इसलिए मुझे मौत से मत डरा। उसने क्या कहा मुझे नहीं पता, जानता तो भी नहीं बताता।
अगली बार वार सामने से ही करना। आंटी सांबर। हाँ सांबर, सांबर डालती हूँ, ये लो। अच्छा बेटा, वो लड़की जो नाराज होकर चली गई थी उससे दोबारा बात हुई क्या? उस दिन रात को 1 बजे हाँ? उसकी गली का पुछवाड़े उसने मुझे बुलाया और उसने मुझे कहा कि उसके बाद तुम ऐसे कर तो होता है। क्या आप कुछ समझे? साफ साफ बोलना बेटा। बात साफ है, परसों रात को मुझे 1 बजे मिली थी हाँ? उसने मुझे बुलाया था पिछवाड़े तो मुझे दोनों ही बल के बाद बोला फिर घूम और मैं टॉर्पस हो गया। ओहो बेटा, मेन पॉइंट पर आते ही तेरी क्लैरिटी चली जाती है। वो मिली थी तक समझ में आया, उसके बाद क्या हुआ? तो जैसे उसने मुझे बुलाया था तो मैंने अपना उठा लिया और उसके बाद उसने उन्हें बस यही हुआ था। हाँ? उसने क्या पुलिस भेजी, गुंडों से पिटवाया, क्या किया? मैं कुछ समझी नहीं, वो रात को मिली उसके बाद क्या हुआ? मैं फिर से समझाता हूँ। हाँ? आधी रात थी हाँ? गली के पिछवाड़े हाँ? उसने मुझे बुलाया और फिर उसने और वो पानी पानी हो गई। ओहो मुझे बेवकूफ बना रहा है, आपको कुछ समझ आया? अरे क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है, परसों रात को हाँ? वो हमारे जैसे मिली हाँ? और फिर आपको रात में देखती हूँ। और क्या देखोगी? सुनो जय, देखो बेटा तुमने जो भी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। कितनी बार तो बताया आंटी, एक बार और बोलो। एक और बार सुनना है? हाँ। रात को 1 बजे हाँ? गली के पिछवाड़े मिली थी ना हाँ? मैंने अपना बस यही हुआ था। हाँ? क्या मतलब न्या, 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 क्या बोल रहा है? ए, रुक जा। अब बोल क्या हुआ था? रात को 1 बजे पिछवाड़े मिली जय, बताएगा या? बताता हूँ आंटी जी। बता। अंकल से कंफर्म कर लीजिए कि रात का 1 बजता है कि नहीं। उस दिन भी बजा था और उसने मुझे मिलने बुलाया था, उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा और आप दोनों से मिलने की इच्छा जताई। शरारती कहीं का। बदमाश। अब तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए ना। गाड़ी छांव में पार्क कर, तू धूप में खड़े रहे। हाय सोनाली कहाँ है? आपकी बेटी की तस्वीर देखकर हमारा बेटा इतना उतावला हो गया कि जल्दी जल्दी आपसे मिलने आना पड़ा। तुम यहाँ क्यों आ गए? परसों तुमने ही तो बुलाया था। अरे हाँ ठीक है, रुको मैं बस 5 मिनट में फ्री हो जाऊंगी। आओ बेटा बैठो यहाँ। ठीक है। ये मेरी बेटी के फ्रेंड का फ्रेंड है। बेटा तुम काम कहाँ करते हो? साउंड एंड विजन। फायर डिपार्टमेंट। सॉरी मुझे लगा मुझसे पूछा। तुम दोनों कुछ बात करना चाहते हो? पहले मुझे इससे बात करनी है। क्या तुम दोनों प्यार करते हो? Yes. सोनाली को मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया था, वो मैसेज करके मुझे बता सकती थी। यहाँ बुला के बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? मुझे भी नहीं पता था कि तुम उसे देखने आए हो। जितना तुम मुझे देखकर शौक हो उतना ही मुझे तुम्हें देखकर शौक लगा। मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज मैं सोनाली की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। ये सब क्या हो रहा है बेटा? क्या बात होगी बेटे? आपकी बेटी से अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ चलो ना। अरे तुम्हें अकल नाम की। प्लीज डांटो मत ना, कसम खा कर कहती हूँ मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये लोग घर पर आने वाले हैं। सच में सुबह घर में चिकन पनीर बन रहा था तो मुझे लगा कि पापा का प्रमोशन हुआ होगा, लेग पीस उठाया ही था और ये लोग टपक गए। सच में मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए हो। मुझे कितना सुकून मिला है। अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगी।
पापा दो मिनट बात करनी है, प्लीज साइड में आइए ना। प्लीज पापा प्लीज। नो, डोंट डू दिस बेटा। सर मैं आपसे अकेले में दो मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। इट्स ओके अंकल, मुझे मालूम है आप क्या बोलेंगे, मैं डैडी को रास्ते में समझा दूंगा। चलिए मम्मी। पापा से क्या बात की, कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिए, बैठे ना। तुम्हारा नाम क्या है? जय है ना? जी हाँ। अच्छा, प्यार के बारे में तुम्हारी क्या राय है? प्यार एक पवित्र रिश्ता है जो दिलों को अटूट बंधन में बांधता है। आपकी बेटी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सेम फूड सेम मूवी, हम दोनों की पसंद भी सेम है। मेरे हिसाब से तुम उसे 3 महीनों से जानते हो, क्यों है ना? यस। हाँ 3 मंथ्स। क्या तुम जानते हो कि इसका टेस्ट हर 6 महीने के बाद बदल जाता है? ये जो तुमने अभी बात की ना कि सेम फूड सेम सिनेमा सेम टेस्ट, इससे जिंदगी नहीं चलती है। 3 महीने में तुमसे बोर हो जाएगी। कभी वो डांसर बनना चाहती है, कभी कहती है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी। अभी हाल ही में तुम्हें क्या बनना था? सोशल वर्कर। सुना सोशल वर्कर, अभी अभी अपने नाम से इसने एक एनजीओ खोला है। अगर चेंज होने से कुछ अच्छा होता है तो फिर चेंज तो अच्छे है ना सर। जय, ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये सब बोलने में ही अच्छा लगता है। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सोनाली के लिए सही नहीं हो, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे लिए सही नहीं है। इसकी पसंद नापसंद तुम नहीं समझ पाओगे। इसे समझने के लिए 3 महीने कम है। 20 साल मैंने इसकी हर जिद पूरी की है, पर यह तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। आप इससे प्यार करते इसलिए 20 साल इसकी हर जिद पूरी की। मैं भी सोनाली से बहुत प्यार करता हूँ, 70 साल तक जिद पूरी करूंगा। अरे छोटू आजा, मसाला चाय दे। अभी लाया भैया। अरे जरा फोन उठाना। हाँ। हेलो अंकल जी। अंकल पूजा कर रहे हैं, मुझे बता क्या काम है। मैं आके बताता हूँ। हेलो। हाँ यार कैफे में बैठा हूँ, आके मुझे पिकअप कर ले। तो गया था, क्या हुआ? अरे आजा सब बताता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है, एक अर्जेंट कॉल करना है, आपका फोन यूज कर सकता हूँ? यस श्योर। इसके फोन को सिंक करता हूँ ताकि पता चले कि इसने किन किन लोगों से बात की है। हाँ 15 मिनट में पहुंचता हूँ। हाँ ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। Thank you.
कौन है? माकचा वेड़ी फोन पर अपन लोगों ने बहुत बात की थी, इतनी जल्दी भूल गया क्या? है ना, अपन से लोग बात करने में भी डरते, और तूने अपन को ही धमकी देने की डेयरिंग की। तूने सोचा भी कैसे कि मैं तेरे को छोड़ दूंगा? कहां है तू? भैया आपकी चाय। जय, एनी गुड न्यूज? बगीतला ना, तू बोला था ना कि तू मौत से नहीं डरता। अपनों को मरता देख के तो लगा सवाटता है। तू सबको जला देता है ना जब तेरे को आग लगती है। अपन भी हैदराबाद तुझे ये दिखाने के लिए लाया है कि जब अपन को आग लगती है तो क्या होता है। अब मैं तुझसे अपने पैसे नहीं मांगूंगा, तू खुद मेरे पैसे लौटाने के लिए गिड़गिड़ाएगा। रंगनाथ ने तेरे को मेरे पैसे के बारे में संगीतला होता ना, अब जब तक तू उन पैसों के बारे में नहीं बताता, तू जिससे बात करेगा वो पक्का मारेगा, चाहे तू उसे जानता हो ना जानता हो, बच्चा बूढ़ा जवान सबके सब मरेंगे। ये गेम की शुरुआत तो तूने देख ली। आधा घंटा पहले तूने जिन तीन लोगों से बात की उसमें से दो लोग मर चुके हैं और तीसरा अपनी जिंदगी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अली, सील करो। यहां क्या कर रहा है? तूने तो अंकल को मिलने के लिए कैफे में बुलाया था। सर, कैफे में आग लगी है सर, कुछ लोग अंदर फंसे हैं सर। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अंकल, बहुत आग लगी है। अगर आग में फंस गए तो खुद को कैसे बचाएंगे? अगर आग लगी तो मुझे बचाने के लिए जय है ना, मुझ पर इतनी सी भी आंच नहीं आएगी। हाँ, ये लोगों को आग से बचाते थे, आज आग नहीं इन्हें जला दिया। सर, बॉडीज अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है, पता नहीं कौन सी किसकी है। ये क्या कह रहा है? बैठ जाइए मामा, संभालिए अपने आप को। माँ उठो, माँ। आंटी। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। Thank you.
कोई बात नहीं, कर ले बात। मरने से पहले उसके भी आखिरी शब्द सुन ले। याद है ना, तू जिससे भी बात करेगा वो मरेगा ही। वैसे भी तू मुर्दा घर में है, तुझसे बात करने वाला मरकर यहीं तो आने वाला है। उस तरफ ढूंढो, चलो। ए, वो किसी से बात कर रहा है, देखो किससे बात कर रहा है वो, जाओ जल्दी। किससे बात कर रहा था तू बे? तूने किसको कॉल किया बता? बता, तुझसे पूछ रहा हूं। बोल बे, बोल। अभी किससे बात की तूने? बता किसको फोन किया था? जिससे बात करूंगा उससे मार दोगे? जिस जिससे तूने बात की वो सब मर चुके हैं, ये अब तक समझ नहीं आया तुझे? तूने भी तो अभी मुझसे बात की, फिर तू अभी तक जिंदा क्यों है? कहा था जिससे बात करूंगा वो मरेगा। बात कर। Move on! अब मैं तुझसे बात करूंगा, मेरा भाई आ गया है, अब मैं बात करूंगा। क्या कर लेगा बे तू? तू बार बार पूछ रहा था ना मैं फोन पे किससे बात कर रहा हूँ, कौन है वो? तो मैं इस भड़वे से बात कर रहा था। इस कुत्ते ने मुझसे बात की। जो खेल तू मेरे साथ खेल रहा था वही मैंने तेरे साथ खेला। दम है तो मुझसे बात कर, तुझे भी यही दफनाऊंगा।
आपको भी चढ़ते हुए मैंने पहली बार देखा भाई। अपुन इधर हैदराबाद काय को आया है? पैसे के वास्ते। अगर अपुन उस समय कदम आगे बढ़ाता तो हम में से सिर्फ एक जिंदा बचता। वो मरता तो अपुन को पैसों का कभी पता नहीं लगता। अगर मैं मरता और पैसे मिल भी जाते तो उन पैसों का क्या फायदा होता? उसने हमारे छोटे को मार डाला। कुछ दिन ही उसके साथ रह के तुझे इतना गुस्सा है? वो अपुन का छोटा भाई था, सोच मुझे कितना गुस्सा होगा। आई शपथ, एक बार पैसा अपुन के हाथ लग जाए उसके बाद उसे ऐसी आग से जलाऊंगा कि राख भी नहीं बचेगी। इधर के सारे पंडरों को इकट्ठा करो, गेम अपुन बताएगा। सर यहाँ ये सब क्या हुआ? सर ये लाशें किसने? सब लोग पीछे रहिए। यहाँ मिली लाशों का संबंध मुंबई के माफिया के साथ था। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि छोटा नायक इस वक्त हैदराबाद में है। यहाँ पर क्या हुआ उसकी जांच शुरू हो गई है, पता लगते ही आपको बताएंगे। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि नायक जैसा क्रिमिनल शहर में खुलेआम घूम रहा है। अब ये बताइए कि जनता कितनी सुरक्षित है? जनता की सुरक्षा की अगर आपको चिंता है तो ये न्यूज टेलीकास्ट मत कीजिए ना। लेकिन मुझे क्या करना है, कैसे करना है, आप मत बताइए, ये आपका काम नहीं है। ए कालिया, माथू खंजवाड़ तो। बॉस लेकिन नाखून बहुत छोटे हैं। ऐसे कोई गाड़ी रोकता है? तेरी बुद्धि में अक्कल नहीं है क्या? मेरी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती तो। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि छोटा नायक यहाँ पर है, और जब कोई बड़ा क्रिमिनल शहर में आता है तो आप जैसे शरीफ लोगों से ही पहले मिलता है। तो आप उसके बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं? डेंड्रफ बहुत हो गया है। मैं मफत में कुछ नहीं देता, पर तेरे को एक सलाह देता हूँ। जितनी स्पीड से तूने मेरा पीछा किया है वही स्पीड से यू टर्न मार ले, क्योंकि अगर नाइक को इस बात का पता चल गया कि तू उसे पकड़ने निकला है तो तू गया काम से। तुझे पकड़ के वो नाइक ऐसा घुमा के रख देगा कि मैं तो क्या, तुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। ये मेरी फ्री एडवाइस है, एकदम मफत, नो सर्विस टैक्स। सर ये जानते हुए भी कि वो नायक से मिल चुका है, आपने उसे जाने क्यों दिया? नायक इससे मिल चुका है और ये बात मैं जानता हूँ, यही मैं इसे बताना चाहता था। इस मीटिंग का यही मकसद था। अच्छा ठीक है भाई। नमस्ते भाई। सुनो बका, मैंने एकदम तत्काल में क्यों बुलाया? एक छोटा पंगा हुआ है भाई। ए, छोटे भाई की मौत के बाद भी नायक अगर इतना शांत है, यानी पंगा छोटा मोटा नहीं है। कौन है वो? वो यहाँ का एक फायर ऑफिसर है। जरा फरी थी बोल तो बका। यहाँ का एक फायर ऑफिसर है। मरी गया। वो 6 फुट लंबा है के? काला चश्मा लगाता है और कभी कभी प्लेन शर्ट पहनता है, और यहां फटफटी पे आता है। लागी गया, अब हम सबको कोई नहीं बचा सकता। ए नारी। साहेब जी, जय माता जी। अपुन को एक आदमी का इन्फॉर्मेशन मांगता है जी। इन्फॉर्मेशन उसके फटफटी का नहीं। हाँ जी। उसकी शर्ट का भी नहीं साहेब जी। नहीं, उसके काले चश्मे का। भले जी। अपुन को ये पता लगाना है कि उसकी कमजोरी क्या है साहेब जी, और इस काम के लिए जितने आदमी लगे लगा दो। हाँ जी हाँ जी। जितने पैसे चाहिए खर्च करो। ओके जी। और समझो कल सुबह तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेट ली। भले जी। तो अपने ही आदमियों के साथ अपनी डेड बॉडी भेज देना। मम्मी जी। अब मैं सू करूं? अगर इन्फॉर्मेशन ना दूं तो मेरी बॉडी मेरे आदमियों के हाथ ही भेजनी पड़ेगी मुझे, और इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो वो जय मेरी बॉडी नाइक को पहुँचा देगा। चल पहले जाके बॉडी बनाते। कैसे बनेगी बॉडी बॉस? आप खाली पैसे भरते हो, जिम तो जाते हो नहीं। जॉगिंग भी नहीं जाते हो? क्या पैसे मिलने के बाद वो तुझे छोड़ देगा? भले ही वो मुझे छोड़ दे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तू जानता है ना वो बहुत बड़ा गुंडा है। मैं इस बात से डर रहा हूँ कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। डर तो नहीं लगेगा मुझसे, उन हरामजादों की नींद हराम कर दूंगा। मम्मी बचा डेंड्रफ से।
क्या हुआ भाई? सपने में वो फायर ऑफिसर आया था। मैं आपको बोलता हूँ भाई, उस फायर ऑफिसर की इन्फॉर्मेशन नाइक को दे देते हैं, नाइक उससे खुद ही नहीं पटलेगा, हम लोगों के सर से लोड कम हो जाएगा और हम लोग का रुका हुआ काम भी फटाक से शुरू हो जाएगा। तुझे लगता है ये सब होगा? जरूर होगा। ध्यान से आ भाई, पट्टे वाला कुत्ता हो सकता है। कालिया। हाँ भाई। बेडरूम क्या छे? दक्षिण की तरफ है। अबे ये क्या छे? मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं ये दिशा सूचक यंत्र लाया हूँ। आपको पता ही नहीं होगा ये क्या करता है, ये हम जैसों को सही दिशा बताता है। तेरी अक्कल का प्रदर्शन मत कर कालिया, पहले बेडरूम ढूंढ। ये आ गए बेडरूम में, लेकिन यहाँ फ्रिज क्यों रखा है? ये क्या, बेडरूम में किचन? टिकट तो बेडरूम का निकाला था ना। लगता है इसमें सेल नहीं है। ये अक्कल मठा, ये दिशा सूचक यंत्र नहीं है, गांधी जी के जमाने की बंद पड़ी हुई घड़ी है। अच्छा, इसे मराख। चलो किचन में आ ही गए हैं तो कुछ खा लेते हैं। आप क्या खाओगे भाई? गधेड़ा। अरे भाई लाइट क्यों बंद कर दी भाई? तो अटकी गयो भाई, इतना अंधेरा क्यों हो गया? अरे रुक गया, मेरी आंखें चली गई। क्या कर रहा है, बाहर निकल। मुझे बचा लो भाई। मैं निकलता हूं भाई, गला काटना पड़ेगा। याद है भाई, बचपन में हम ऐसी रेलगाड़ी रेलगाड़ी खेला करते थे। एक बार पट्टे की वजह से पतीला आपके सर में अटक गया था और मैंने आपको बहुत धोया था, याद है भाई? उसका बदला अभी क्यों ले रहे हो भाई? पतीला निकालो ना प्लीज भाई, निकालो ना भाई। भाई 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 कहो भाई। सर, 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 मैं कुछ नहीं जानता, वो कुत्ते के पट्टे वाला आदमी मुझे यहाँ लेके आया ताकि नाइक को आपके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकूं। सर मारना है तो वो कुत्ते के पट्टे वाले को मारो, मुझे मत मारो सर, मैं तो बच्चों की पढ़ाई के लिए गुंडागिरी करता हूँ। नहीं सर। गांडा। भाई क्या मस्त पतीला निकला। भाई आप थे, मुझे लगा वो आ गया। तू बोल रहा था कि मुझे कुत्ते की तरह मारे। भाई वो तो मैं उस फायर ऑफिसर से छुटकारा पाने के लिए बोल रहा था। भाई 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 कहाँ चले गए? भाई आप कहाँ हो भाई? कबाट के अंदर छुपा हूँ, वो यमदूत कहाँ है? हाँ बोल, बाहर क्या चल रहा है बोल। भाई वो कुर्सी पे ही भूखे शेर की तरह बैठा है, मुझे लगता है अलमारी में आपकी समाधि बन जाएगी। मम्मी मेरे कपड़े गीले करवाएगा। आप अलमारी के अंदर हो और ऑफिसर बाहर है, अगर उसने अलमारी खोली तो। अरे बाप रे, तू कुछ करता क्यों नहीं है? मेरे पास क्या अलादीन का चिराग है जिसे घिस के मैं तुम्हें बचा लूं? वो अलमारी के पास बैठा है। बाप रे, अरे उसने मुझे देख लिया तो क्या होगा? गले पे पट्टे की जगह चौपर होगा। लग गया। हाँ, उसने आपको देख लिया। मम्मी पापा। चुप रहो, बच्चे हो क्या? भाई वो आ रहा है। अरे रे। आ गया। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे भाई थोड़ी सी हिम्मत रखो। हिम्मत रखने से क्या होगा, आसानी से मरोगे। तूने कपड़े गीले करवा ही दिए ना भाई। पापा बचाओ। आप बाल बाल बच गए, वो बाहर आ रहा है। बच गया जलाराम बापा। ये कालिया तू हंस क्यों रहा है? नहीं भाई, ये सोचकर हंसी आ रही है कि अगर आप पकड़े जाते तो आपका क्या हाल करता। गांडा ऐसे वक्त में तुझे मजाक सूझ रहा है? अरे बाप रे, ये इस तरफ क्यों आ रहा है? लगता है मुझे चिराग की जरूरत पड़ेगी। कालिया, ए कालिया, कालिया, कालिया किधर है तू? मैं फ्रिज के अंदर हूँ भाई। फ्रिज के अंदर? फ्रिज में फ्रेश चीजें रखी जाती है, तुझ जैसी सड़ी हुई चीज नहीं। भाई वो फायर ऑफिसर उस कमरे से डायरेक्ट किचन में आ गया है। शुक्र है चला गया। गधेड़ा, जब मैं कबाट में था तब मेरी फिरकी ले रहा था ना,
अरे कालिया, बाहर की क्या सिचुएशन है भाई? ज्वालामुखी, बवंडर, सुनामी, रेत का सैलाब, ये सब एक साथ इसी वक्त तेरे ऊपर टूटने वाले हैं। वो फ्रिज की तरफ आ रहा है भाई। उसे पता चल गया है कि तू फ्रिज के अंदर बैठा हुआ है। अब मेरा क्या होगा भाई? अंतिम संस्कार। भाई मुझे फ्रिज के अंदर पसीना छूट रहा है। सर, मैं कुछ नहीं जानता। वो कुत्ते के पट्टे वाला आदमी मुझे यहाँ लेके आया ताकि नाइक को आपके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकूं। सर मारना है तो वो कुत्ते के पट्टे वाले को मारो, मुझे मत मारो सर। सर 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 भाई आप आ गए। वो फ्रिज की कूलिंग चेक कर रहा था मैं, बराबर है कि नहीं। ठंडा पियो भाई। मुझे ठंडा पिला रहा है? कौन है वहाँ? इसकी इन्फॉर्मेशन निकालते निकालते हमारी तो बर्फ जम गई कालिया। बेटा जय कहाँ है? आंटी उसने कहा है कि वो आपको कॉल करेगा, उसे कहना भूलना मत। ठीक है आंटी, तुझे एड्रेस पता है ना, ठीक से ले जाना। स्टेशन में नहीं जाते हो, मेरा फोन भी नहीं उठाते हो, पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी तुम्हारी। तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है। देखो आज मैं पैसे भी नहीं लाई हूँ, चलो कॉफी पिलाओ। सोनाली, सोनाली, मुझे किसी से बात नहीं करनी। रोज एक्सीडेंट्स में न जाने कितने लोग मरते हैं, तो क्या उनके दोस्त दुनिया वालों से बात करना बंद कर देते हैं? गुस्से में मारा ना, मुझे बुरा नहीं लगा। I love you. I missed you so much. इसका नाम सोनाली है। यही है आपकी ताकत और आपकी कमजोरी भी। एक बार ये कब्जे में आ गई तो वो भी दौड़ के आएगा, और इसके लिए पासवर्ड तो क्या वो कुछ भी बताएगा। सोनाली घर पे है? आप कौन? मुझे जय ने भेजा है। आओ आओ अंदर आओ। रहने दीजिए, आप बस उन्हें बुला देंगे, उन्हें खबर देनी थी मुझे। सोनाली, कोई तुमसे मिलने आया है? सोनाली, सोनाली तो जय के साथ गई है। आपके आने की खबर जय ने दी थी और कहा था वो खुद आएगा आपसे मिलने। ओके सर, ठीक है। हे, अपन इधर बारात में नहीं आए लाए कि उसके आने का इंतजार करें। जा उन शोध त्याला और दिखा दे कि दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जान जाकर वो अपन से छिप सके। ये किसका घर है? मेरे एक पुराने दोस्त का। कम
So, what next? जाओ पहले फ्रेश हो जाओ. Yes. वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था. क्या कहा था उसने? इसको कौन हो सकता है? सोनाली, सोनाली! अरे बाबा, ड्रेस चेंज कर रही हूँ. अभी कौन आया था? मुझे क्या पता. क्या मतलब? अरे वो कुछ बोला ही नहीं. कुछ बोला नहीं मतलब? सोनाली, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? उसने कुछ भी नहीं कहा, ये दिया और चला गया. सॉरी. उसने कुछ भी नहीं कहा, ये दिया और चला गया. आप उन्हें साफ साफ देखा कि वो तुझसे कुछ कह रहा था. सांग तो तुला काय बोलो तो था. सब मुझसे पूछ रहे हैं कि उसने मुझसे क्या कहा था. किसी ने ये नहीं पूछा कि उसने क्या दिया था. कौन पूछ रहा था और क्या दिया था? तुम यहीं रुकना, मैं 2 घंटे में आता हूं. तो इतनी भी टेंशन मत ले यार. किसकी बात तो दूर है, उसने मुझे टच तक नहीं किया है. पता नहीं अचानक उसे ऐसा क्या याद आ गया, मुझे यहाँ गेस्ट हाउस में अकेले छोड़कर चला गया. कहाँ है तू? लाओ कर चाल. बस आ रहा हूं जानू. तेरे आने तक तेरी जानू बचेगी नहीं. बहुत खून बह चुका है इसका. उसे कुछ मत करना. मुझे पता है कि पैसे कहां हैं. मेरे पास अकाउंट नंबर और पासवर्ड है. प्लीज उसे कुछ मत करना. कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं देता. नेटवर्क का प्रॉब्लम वाटतोय मला. जाने दो उसे प्लीज. गिड़गिड़ा रहा है साला. सारे पैसे मेरे पास हैं. पैसे लो और मेरी सोनाली को छोड़ दो. बराबर. अकाउंट नंबर और पासवर्ड दे मला. तुझा गर्लफ्रेंड ला सोट दो. अपुन ने बोला था ना कि मैं अपुन के पैसे तुझसे नहीं मांगूंगा.
अपन बोला था ना कि अपन तुझसे अपना पैसा नहीं मांगेगा, तू खुद पैसा लौटाने के लिए गिड़गिड़ाएगा। सोनाली कहाँ है? जब तक वो अकाउंट नंबर और पासवर्ड नहीं मिल जाता तो उससे नहीं मिल पाएगा। मैं उसे साथ नहीं लाया। सोनाली को देखे बिना मैं अकाउंट नंबर और पासवर्ड हरगिज़ नहीं दूंगा। अपुन इधर कांदा बटाटा नहीं बेचने लाए जो तू मोल भाव कर रहा है। दादा है अपुन, तू लेट करेगा तो सोनाली हमेशा के लिए लेट हो जाएगी, मतलब धरती से स्वर्ग में पहुंच जाएगी। सोच ले अभी। धत! उसने छोटा नायक को बचा लिया। सोनाली को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं सचाया था है। आप पेशेंट से मिल सकते हैं। तेरी वजह से नायक को पकड़ने का आखिरी मौका भी हाथ से गया। तुझे क्या लगता है तूने उसकी जान बचाई ये सोचकर वो सब कुछ भूल जाएगा क्या? वो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। साहब जी, ये कहीं मर ना जाए। साहब जी, अगर ये अपनी जान के लिए जान दे सकती है तो ये अपुन के लिए भी जान दे सकती है। देवा खरी जाओ ते। सर कैसा? इस अकाउंट में तो जीरो बैलेंस दिखा रहा है। क्या बकवास गोष्ठी करता, पर चेक करा। सर सारे पैसे एक घंटे पहले किसी सोनाली के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। सोनाली? सोनाली मंजी? इसका बहुत ज्यादा खून बह गया सर। इसके सर की चोट भी काफी गहरी है, बचना मुश्किल लगता है सर। नहीं, सोनाली कभी नहीं मर सकती। इसकी कीमत करोड़ों में आए। अगर कोनी संगीतला की ये बोल की मर जाएगी तो अपन उसको मार देगा। याला बॉडी बदे जानता। डॉक्टर, बारिश साहब जी, पानी तो तब छिड़कते हैं ना जब कहीं पर आग लगी हो। आग तो लगी नहीं, फिर ये पानी क्यों छिड़क रहा है? मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, इतना बता दो कि लड़की कहाँ है? अभी बताता हूँ मजरू की औलाद। Hey!
ए मोटे, क्या हुआ? वो फायर ऑफिसर सबको कुत्ते की तरह पीट रहा है बॉस। मम्मी जी, यहाँ से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद है। पापा जी, अरे अभी इधर से मैं कैसे भागूंगा? बोलिए, कैसे याद किया? तुमने कहा था ना नाइक मिले तो बताना। जी सर। मुझे नाइक मिल गया है। कहाँ है वो? यही है, जल्दी आकर अरेस्ट कर लो। एड्रेस बताइए सर। सोनाली, सोनाली आंखें खोलो। सोनाली देखो, मैं आया। सोनाली, सोनाली कोई है? सोनाली, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे यहां से ले चलो। डॉक्टर प्लीज, आप घबराइए मत। वो लोग मेरा बैंक अकाउंट और पासवर्ड लेकर गए हैं, उसमें मेरे 7,000 रुपए हैं। मैं लेकर आता हूं तुम्हारे पैसे। मम्मी। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर, तुम आ रहे हो या नाइक को वहाँ भेजूं? कितनी देर लगा दी, कहाँ हो तुम? नारी सर, हम बस में, बस पहुँचने वाले। बस से क्यों आ रहे हो? वो जीप खराब हो गई थी ना, इसीलिए। गवर्नमेंट की गाड़ी भी वक्त देखकर खराब होती है। हम जब तक वहाँ पहुँचते हैं आप नाइक पर नजर रखिएगा। मेरी नजर कमजोर हो गई है, कैसे रखूं? जल्दी आ जाओ। सर, समझ में नहीं आ रहा आप करना क्या चाहते हैं। हम जल्दी वहां जाकर नाइक को पकड़ सकते हैं। हम उसे पकड़ेंगे और वो चकमा देकर भाग जाएगा, यही होगा ना, जैसे पहले हुआ था। अगर हम जय को 1 घंटे का समय देते हैं तो ना वो उसका मकसद पूरा होने देगा, ना उसे भागने देगा। 10 मिनट में 2 फोन आ गए नारी के। घबराहट के मारे उसकी हालत खराब है, मतलब जय वहां पर आग लगा चुका है। हम शेयरिंग ऑटो में हैं सर। शेयरिंग ऑटो में क्या कर रहे हो? वो इस रूट पे बस नहीं मिलती ना। अरे तो फिर टैक्सी से आ जाते, अब स्पीड बढ़ाओ नहीं तो मेरी अर्थी निकल जाएगी। सर आप ही ने कहा था नायक को ज्यादा स्पीड में पकड़ने जाएंगे तो गुस्सा हो जाएगा, अब आप ही कह रहे हैं कि जल्दी आओ। मेरे आखिरी वक्त में तुझे मजाक सूझता है? लगे छे मेरा अंत आ गया। जो पैदा होता है उसे एक दिन तो मरना ही है, मरने के बाद ही इंसान को दूसरा जन्म मिलता है। अब मुझे भरोसा हो गया है कि ये बात एकदम सच है। भगवान का नाम लेकर मौत के लिए तैयार हो जाओ, अगले जन्म में इंस्पेक्टर पे भरोसा नहीं करूंगा। अरे भिखारी, तेरी औकात 10,000 करोड़ की नहीं है। Yeah.
कहा था ना एक घंटा। एक हजार करोड़? जरा धीरे बोलो। तुमने सब दे दिए? वो हमारे पैसे नहीं थे। लगता है तुम्हारा पहला माला खाली है। शादी की शॉपिंग के लिए थोड़े पैसे बचा लेते तो क्या हो जाता? तुम्हारी शॉपिंग के लिए मेरे पास काफी पैसे हैं। हाँ, कितने हैं? हाँ, मुझे गोल्ड की साड़ी दिला पाओगे? बोलो ना, दिलवाओगे ना?